जंतर मंतर पर आज किसान संगठनों की महापंचायत। दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला तेज। किसान नेता राकेश टिकैत हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग किसान समूहों द्वारा राजधानी के जंतर मंतर पर आज बुलाई गई महापंचायत से पहले किसी भी आपके घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों के इकट्ठा होने से यातायात की समस्या हो सकती है। किसी भी आपके घटना से बचने के लिए दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग भी की गई है। बता दें, किसानों ने आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। आज बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को प्रिवेंटिव हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा, सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। दरअसल देश में बेरोजगारी के खिलाफ आज होने वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए राकेश टिकैत जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि राकेश टिकैत को मधु विहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, वहां उनसे बातचीत करके वापस लौटने का अनुरोध किया जाएगा। वहीं दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि उन्होंने किसानों से वापस जाने का अनुरोध किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि संयुक्त किसान मोर्चा और अलग अलग किसान समूह ने जंतर मंतर पर एक महापंचायत आयोजित करने की योजना बनाई है। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने आपके घटनाओं से बचने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी है। रेलवे ट्रैक के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों और चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जंतर मंतर पर आयोजित होने जा रही किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 4 से 5 हजार किसानों के जुटने की आशंका है। इसका नई दिल्ली के ट्रैफिक पर भी असर पड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्टाफ की तैनाती और डायवर्जन का प्लान भी तैयार किया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एक दिवसीय कार्यक्रम पूर्ण तौर पर शांति और अनुशासन के साथ होगा। ये पंचायत सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। पंचायत के समापन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस महापंचायत के आयोजन में किसी तरह का व्यवधान डालने का प्रयास करती है तो इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।